बिजली विभाग के एसडीओ रविंद्र कुमार गौतम को यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। एसडीओ रविंद्र कुमार गौतम पर यह एक्शन दफ्तर में ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाने के बाद हुआ। फरुखाबाद जिले में बिजली विभाग में तैनाती के दौरान नवाबगंज उपखंड अधिकारी ने अपने दफ्तर में आतंकी संगठन अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाई थी। इसी के साथ उन्हें बेस्ट इंजीनियर भी बताया था। जून 2022 में सामने आया था यह मामला। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित किशोर ने जानकारी दी कि उनकी संस्तुति पर यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने विभागीय एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम की सेवा को समाप्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि जांच में पता लगा है कि एसडीओ ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाकर उसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर बताया था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जून 2022 में संज्ञान में आया था। उस दौरान कायमगंज उपखंड द्वितीय में तैनात एसडीओ रविंद्र ने अपने कार्यालय में ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाई थी। इसके बाद एसडीओ को निलंबित करते हुए मामले की जांच का आदेश दिया गया था। निगम के एमडी अमित किशोर ने जांच के आरोप को सही पाया और एसडीओ गौतम की सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की। रविंद्र ने पत्राचार में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। मामले को लेकर यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने एसडीओ रविंद्र गौतम की सेवा समाप्त करते हुए आदेश में बताया कि रविंद्र के द्वारा उच्चाधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग और पत्राचार किया गया, यह घोर अनुशासनहीनता है। इसी के साथ ओसामा बिन लादेन को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर मानते हुए उसकी फोटो कार्यालय में लगाना भी अनुशासनहीनता है। ओसामा बिन लादेन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी था और उसकी तस्वीर को कार्यालय में लगाना निगम विरोधी कृत्य है। इसे विभाग की छवि भी धूमिल हुई है।